गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज अ चैप्टर गिवेन इन द सप्लीमेंट्री बुक फॉर स्टैंडर्ड 9th अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस। दिस इज अ स्टोरी एंड इन दिस स्टोरी वी विल सी दैट स्टोरी टेलर राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज रस्किन बॉन्ड। It means in indirect way, the storyteller is Ruskin Bond. The Adventures of Toto. Adventures means साहसिक work. Adventurous deeds, साहसिक कार्य. साहसिक कार्य को adventurous work बोलते हैं. And that adventures is here some naughty work. Naughtiness. showed by the monkey whose name is Toto. What is here we are going to study? That the adventures of Toto is a story about the naughty nature of a monkey whose name is Toto. Toto is a monkey child. So the adventures of Toto we are going to start today. Ruskin Bond, we all know, is known for the love for animals. He has written many stories in which we see his sympathetic attitude towards animals. Ruskin Bond पशु प्रेम के लिए मशहूर हैं। उनकी बहुत सी कहानियाँ हम लोग पढ़े हैं और जानते हैं कि पशुओं के प्रति उनके दिल में, एनिमल्स के लिए उनके दिल में जगह है। वो संवेदनात्मक स्तर पर एनिमल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं या करते हैं। सो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज अ स्टोरी अबाउट अ मंकी चाइल्ड। द नेम ऑफ दैट मंकी चाइल्ड इज टोटो एंड सो द चैप्टर स्टार्ट्स। द चैप्टर इज हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट। द राइटर आस्क यू वेरी सिंपली, Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपके पास कभी कोई baby monkey as a pet रहा है? Have you ever had? Toto is a baby monkey. Let us find out whether he is mischievous or docile. वो mischievous है, शैतानी भरा उसका nature है कि नहीं है, इसका हम लोग पता लगाएंगे इसमें। So, we are going to start this. Grandfather bought Toto from a Tonga driver. Tonga, ये अपने हिंदुस्तान में इसको तांगा बोलते हैं, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ पर तांगा, टम टम। So, Toto कहाँ से आया? तो Toto was brought by the grandfather from a Tonga driver. Tonga driver मतलब तांगा वाले के यहाँ से, टमटम वाले के यहाँ से दादाजी ने टोटो को खरीद करके लाया। मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए इसका पूरा हिंदी संस्करण पेश करूँगा, हर लाइन का हिंदी मीनिंग बताऊँगा, सो दैट योर प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टोरी मे बी कम्प्लीट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees, ओनली 5 rupees। हाउ मेनी रुपीज डिड ही स्पेंड फॉर टोटो? Only 5 rupees। केवल 5 रुपये में दादाजी बंदर को, टोटो को खरीद करके ले आए अपने घर पर। किसके यहाँ से लाए? तो टोंगा ड्राइवर से। ये टोंगा ड्राइवर इम्पोर्टेंट हुआ, वहाँ से वो खरीदा करके आया, नेम उसका टोटो। ग्रैंडफादर उसको लाए खरीद के, और कितना में लाए? तो 5 रुपीज में, ओनली फॉर 5 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टायर्ड टू ए फीडिंग ट्रो। उसको खाने वाले नादी में, नाद कहते हैं उसको, पॉट बहुत बड़ा, तो ही वॉज टायर्ड, उसको बांध के रखते थे टू ए फीडिंग ट्रो, एक नाद के बगल में। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू।
प्राइवेट जू चिड़ियाखाना चिड़ियाघर। दादाजी का घर एक चिड़ियाघर की तरह था क्योंकि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स वगैरह थे, दादाजी ला करके रखते थे अपने घर पर। दिस शोज दैट ग्रैंडफादर वाज एनिमल लवर, ही लव्ड एनिमल्स टू हैव लाइक पेट्स। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, मतलब क्या हुआ अब तक हम लोग देखे कि तांगा वाले के यहाँ वो टोटो था जिसकी हालत ख़राब थी क्योंकि उसको बांध के रखता था, खाने वाला बर्तन था उसके बगल में बांध के रखे हुए था। दादाजी को लगा कि उसकी हालत वहाँ ठीक नहीं है, देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, तो इसके लिए दादाजी ने उसको ख़रीदने का फैसला लिया और उन्होंने उसको ख़रीद लिया 5 रुपये में। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो एक खूबसूरत बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी बनावट है कि उसकी आंखें चमकदार थीं, घना उसका भौं था, डीप सेट आईब्रो एंड हिज टीथ विच वेयर पर्ली व्हाइट वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। वह जब दांत निकाल करके हंसता था तो लेडीज वगैरह डर जाती थी। बट हीज हैंड्स लुकड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। उसके हाथ ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे वो सूख के अचार हो गए हों। अचार जब सूख जाता है, आम वगैरह का अचार पिकल सब लोगों के यहाँ रखाता है, सूख जाने पर वो ऐंठ जाता है, तो उसका हाथ वैसा ही मालूम पड़ता था जैसे सूख करके अचार हो गया हो। येट हीज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसकी अंगुलियों में उस नटखटपन था और बहुत उसमें क्विकनेस था, फुर्ती थी। एंड हिज टेल, उसकी जो पूंछ थी, व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। पूंछ टेल वाज सर्विंग एज ए थर्ड हैंड, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वो किसी चीज़ को पकड़ने में अपनी पूंछ का, अपनी टेल का यूज करता था, जो हाथ से नहीं पकड़ा सके उसको वो पूंछ से भी पकड़ लेता था कभी कभी। ये तो इस स्टंजा पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि what were the structures of that monkey Tutu. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. दादाजी प्रायः एनिमल या बर्ड घर पर लाया करते थे, तो जब भी लाते तो दादी जी उस पर फस करती थी, मतलब शोर करती थी, हंगामा करती थी। She was not happy. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. इसलिए डिसीजन हुआ कि दादी से उसको छुपाएंगे जब तक कि वो शाम नहीं हो जाए, रात नहीं हो जाए, तब तो रात में उसको रात तक छुपा के रखना है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट, हम लोगों ने उसको लिटिल क्लोजेट में, संदूक में, क्लोजेट का मीनिंग संदूक होता है, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम की तरफ खुलता था, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ हम लोग उसको बांधे, छोटा क्लोजेट के यहाँ का मतलब हुआ छोटा कमरा, और सो वी थॉट टू ए पेग फास्टेंड इन टू द वॉल, हम लोगों ने उसको दीवार में एक कांटी ठोक करके उसमें बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम लोग कुछ घंटों के बाद दादाजी के साथ आए वहाँ पर, तो टोटो को फ्री करने के लिए आए थे, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather. Grandfather ने उस दीवार को डेकोरेट करके रखा था ornamental paper से, now stood out as naked brick and plaster. उस बंदर ने, टोटो ने, पूरे पेपर को नोच दिया था और वहाँ का प्लास्टर और ईंट दिखाई पड़ रहा था, पेपर गायब था। The peg in the wall had been wrenched from its sockets. जो कांटी थी उसमें ठोका हुआ, उसमें बांधा था उसको, वो सॉकेट से निकलने वाला था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, स्कूल जाने वाला जो मेरा ब्लेजर था वहाँ लटक रहा था,
वॉज इन श्रेड्स, उसको उसने फाड़ दिया था. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे डर रहा था, मैं डर रहा था कि ग्रैंड मदर अब बहुत गुस्सा हो जाएगी, वो क्या बोलेगी. बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, ग्रैंड फादर ने इसका कोई टेंशन नहीं लिया. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो के परफॉर्मेंस से खुश मालूम पड़े. ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू योर रोप. दादाजी बोले कि अब तुम्हारा जो ब्लेजर जो फाड़ा था उसको बांध करके रस्सी बनाता बाहर निकलने का प्रयास करता. एंड मेड हीज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इस प्रकार से विंडो से बाहर निकल जाता बहुत तेज है. मतलब इसका ये हुआ कि दादाजी ने बंदर की नटखटपन से जब ब्लेजर फाड़ दिया राइटर का, तो नाराज नहीं हुए, वो खुश हुए, उसकी प्रशंसा किए. उसके नटखट होने का, उसके ब्रिलियंट होने का सबूत था वो. जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसका नटखटपन भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब किसी को नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई भी हमें बुराई मालूम पड़ती है. सो दीज लाइन्स शो दैट ग्रैंड फादर वॉज रियली लविंग टोटो, ही वॉज रियली एनिमल लवर. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अब तक वो दादी जी को पता नहीं था, सीक्रेट बना के, रहस्य बना के रखे थे उस बंदर को घर में. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेयर सोशली टूगेदर. और अब टोटो को ट्रांसफ़र कर दिए हम लोग बड़े से रूम में, ले गए बिग केज में, बड़ा कमरा था उसे, जहाँ वो इन द सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट का क्वार्टर था वो, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स वगैरह पहले से थे, मिलजुल के रहते थे. ए टर्टोइस टर्टस था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वायरल, एंड फॉर ए व्हाइल माय पेट गोट. ये सारा एनिमल वहाँ पहले से था. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. किसी कंपेनियन को, किसी और एनिमल को, किसी साथी को मंकी ने रात में सोने नहीं दिया. सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. दादाजी को कल जाना था देहरादून, इसलिए उन्होंने उसको सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने उस बंदर को साथ ले जाने का फैसला किया. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकॉम्पेनाई ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, मैं उनके साथ दुर्भाग्य से नहीं जा पाया. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने मुझे अपनी कहानी, अपना अनुभव बाद में शेयर किया. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक मोटे कपड़े का बना हुआ बैग था, वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटू, टोटो को उसमें डाला गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, इसी में बंदर को डाले. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किए, क्लोज्ड, देयर वॉज नो एस्केप, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. बंदर उसको काट करके बाहर नहीं निकल सकता था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर, कभी कभी उछल कूद वो करता था उसमें. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. रेलवे प्लेटफॉर्म देहरादून में वो उछल कूद करते हुए बैग को देख करके लोगों को उत्सुकता होती थी. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनवायंस ही सेड सर यू हैव ए डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, और ये छूट गया. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट व्हाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर से वाइड ग्रीन. टिकट चेकिंग के समय वह बंदर मुंह निकाल करके बाहर देखा बैग से, और उस आदमी को आश्चर्य हुआ. उस आदमी ने पूछा दादाजी से, हैव यू गॉट ए डॉग, इसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped,
उसको पाया कि श्रेणी में नहीं आता है, कुत्ता भी नहीं है, ये बंदर है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग, कुत्ते के कैटेगरी में उसको डाला उस ऑफिसर ने, टिकट कलेक्टर ने, बाय द टिकट कलेक्टर, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। वो 3 रुपया उसका टिकट का भाड़ा लगा दादाजी को। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट आवर पेट टर्टॉइस एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। उन्होंने कछुआ टर्टॉइस निकाला, टर्टॉइस निकाल कर तो बताया, कहा कि भाई इसके लिए कितना पैसा लगेगा तो बताइए। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टर्टॉइस, प्रोडेड इट विद ही फोर फिंगर, गेव ग्रैंड फादर ए प्लीज एंड ट्रम्फेंट लुक एंड से नो चार्ज, इट इज नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है, सो देयर विल बी नो चार्ज फॉर दिस पेट। टर्टेस का पैसा नहीं लिया और 3 रुपये का टिकट उनको लेना पड़ा था टोटो के लिए, 5 रुपये में खरीदे थे, 3 रुपये भाड़ा लगा, 8 रुपये खर्च उस पर अब तक हो चुका है दादाजी का। देन नेक्स्ट लाइन ये आपको देखना है, ये दादाजी का फोटो, टिकट कलेक्टर का ये। देन व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, जब मम्मी दादी माँ ने स्वीकार किया उसको तो स्टेबल में उसको जगह मिली। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहाँ पर डंकी था जो पेट था, नाना नाम था उसका, तो नाना वाज द नेम ऑफ द डंकी, नाना किसका नाम है तो डंकी का। ये ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड ही में विजिट टू सी इफ ही वाज अनकंफर्टेबल, पहली रात दादाजी रात में देखने गए कि ठीक है कि नहीं साहब, तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, वो अपना सर पटक रहा था वो नाना जी, नाना जो थे डंकी। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज, दादाजी ने उसको प्यार से थपाया, एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और पीछे हटा तो टोटो को खींचते हुए हटा। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, बंदर ने उनका उसका कान पकड़ लिया था विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो टोटो और नाना में कभी दोस्ताना संबंध नहीं हुआ। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, और स्नान करने के लिए जब गर्म पानी दादी देती थी तो पहले उसको टेस्ट करता था छू करके कि टेम्परेचर कैसा है। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ फर्स्ट वन फूट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था उसी तरह से धीरे धीरे उसमें पानी में जाता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि पानी उसके गले तक नहीं चला जाए वो उसमें जाता था पानी में। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हीज हैंड्स और फीट एंड ड्रॉब हिमसेल्फ ऑल ओवर, तब साबुन लेकर के पूरे बॉडी पर रगड़ता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could do to the kitchen fire in order to dry himself. तब बाहर निकल करके वह आग में के पास जाता था अपने को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during his this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो वो जिंदा जल जाता, पक जाता पानी में, गर्म पानी में। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल हर टी फॉर टी एंड टोटो, एक दिन गर्म पानी हो रहा था, रखा हुआ था फायर पर। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, कोई काम नहीं था बंदर को, डिसाइडेड टू रिमूव दिस द लीड, उसने डिब्बे को का ढक्कन था हटाने का प्रयास किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, उसको लगा कि पानी गर्म हो गया है नहाने के लायक। He got in with his head sticking out from the open kettle. वह उस केतली में घुस गया। This was just fine for a while. वह कुछ देर तो ठीक रहा until the water began to boil. और तब पानी जब पूरा खोलने लगा, Toto then raised himself a little. ऊपर थोड़ा निकलने का प्रयास किया but finding it
कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड मालूम पड़ी, सैट डाउन अगेन इन द वाटर। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल करंट मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। इस प्रकार से उस तसले में, उस केटली में, उस बर्तन में जहाँ पानी गर्म हो रहा था चूल्हे पर, वह बंदर जलते जलते उस दिन बचा दादी माँ उसे बाहर निकाली। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर शैतानी सही मायने में है दिमाग में, दैट पार्ट वॉज लार्जली डिवोटेड इन टोटो, तो टोटो में और निश्चित रूप से काफ़ी मात्रा में था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वह सामान सबको जो मिल जाता था हाथ में उसको फाड़ देता था, पीस पीस कर देता था। वेन एवर वन ऑफ एनी अंट्स केम नियर हिम, जब कोई अंट वगैरह उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, वो कोशिश करता कि उनके कपड़े को पकड़े और उसे फाड़ के उसमें होल बना दे। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, बहुत मात्रा में पुलाव बना करके रखा गया था डाइनिंग टेबल पर। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, हम लोगों ने देखा कि टोटो राइस से खेल रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, चिल्लाई मेरी दादी माँ, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑफ एट हर्ड, टोटो ने प्लेट उठाकर उनको दे मारा। वन ऑफ माई अंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और मेरे एक अंट थी उनके देह पर एक गिलास पानी फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और जब दादाजी आए तो वो एक प्लेट पुलाव लेकर के ऊपर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, वहाँ वो जैक फ्रूट कटहल के पेड़ के ब्रांच पर बैठा था ऊपर। द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स, और वो डिश ले गया था खाने के वाला सामान पुलाव। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो हर दाना खा जाने के मूड में था, धीरे धीरे खाता रहा आफ्टरनून तक। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 pieces, और तब बाद में थाली को नीचे फेंक दिया, वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया और खुशी से चिल्ला रहा था, चहचहा रहा था, किकिया रहा था। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, तब बहुत दिनों तक रखना बंदर को संभव नहीं था। ग्रैंडफादर ऑल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट, ग्रैंडफादर ने इस फैक्ट को स्वीकार किया, महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग बहुत अमीर नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लोथ्स कर्टन्स एंड वॉलपेपर, और वॉलपेपर डिशेज क्लॉथ वगैरह का नुकसान बहुत हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर अगेन, उस तांगे वाले को दादाजी ने फिर से खोजा। एंड सोल्ड टोटू बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees, 5 rupees में खरीदे थे और आज 3 rupees में फिर उसी के वो तांगा वाले के हाथ से बेच दिए उसको। इस प्रकार से वी गॉट रीड ऑफ दैट टोटो, उस बंदर के बच्चे से हम लोग मुक्त हुए। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन दिस स्टोरी, माई डियर फ्रेंड, आई हैड कम्प्लीटेड एंड ईच एंड एवरी चैप्टर आई हैव टॉट ऑन इन माई प्लेलिस्ट, सो गो थ्रू माई प्लेलिस्ट, देयर यू विल फाइंड आउट ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर क्लास, आपको अपने वर्ग के लिए हर इम्पॉर्टेंट चीज मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा। कृपया मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आप देखें, अपनी ज़रूरत की चीज़ को खोजें, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसके लिए मैं अब वचन देता हूं कि हमेशा आपके लिए नया से नया वीडियो बनाकर पेश करता रहूंगा, और हर तरह का प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन वगैरह सब मैं डील करूंगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। तो ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अभी, ये क्वेश्चन आंसर है आपको। आफ्टर दैट, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, ग्रैंड फादर के प्राइवेट जू में वो टोटो कैसे आया, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको है। तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं, सेकंड वीडियो, तो उसमें इसको कर लेते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मेक ए सेकंड वीडियो, सो वेट फॉर दैट। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।